स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके DL.ED चौथे सेमेस्टर से। ये आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट, और दूसरे लेक्चर के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, जो आपका लैंग्वेज लर्निंग को लेकर के चार अप्रोचेज के बारे में हमने बताया था स्टार्टिंग में। दो के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। कुछ बच्चे हैं, अगर बात की जाए 100 में आप मान के चलो तो 10% ऐसे हैं जिनको वो चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो एक लाइव क्लास लेकर के मैं आप लोगों को वो चीज़ सामने से मैं समझा दूंगा कि वो दोनों आपके मेथड्स हैं क्या। बाकी स्ट्रक्चरल अप्रोच अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो फिर ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये भी नहीं समझ में आया। ओके, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा सारे बिंदुओं को अच्छी तरीके से समझने के लिए। आप UPTET CTET की बेहतरीन तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च से ही यहाँ पर क्लासेज आपकी प्लस वाली चल रही हैं, मतलब CTET और UPTET को लेकर के, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करने के बाद 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों ये मेरी एजुकेटर प्रोफाइल है, जब आप अनअकैडमी को लेकर के बात करते हो तो वहाँ पर मैंने हिंदी आपका शुरू कर दिया है, 5 वीडियोज़, काफ़ी कुछ चीज़ें 5 आपके वहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हो। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर सीधे सीधे, स्ट्रक्चरल अप्रोच, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आप कोई संरचना बना रहे होते हो ना, क्या होता है स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना, मतलब एक अच्छी तरीके से जब आप कोई संरचना बना रहे होते हो, ठीक है, उसको आप स्ट्रक्चर कह देते हो। एक ऐसा अप्रोच जो एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हो। अब स्ट्रक्चर में क्या आएगा, हो सकता है अब स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली जब आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो या तो उसमें लेटर्स आएंगे, भाई बढ़िया संरचना की आप बात करते हो, जैसे एक बिल्डिंग को ले लो, आप कहते हो कि इसकी संरचना बढ़िया होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो उसमें जो अच्छी सी जो अच्छा वाला जो सीमेंट है, मोरंग हो गया, गिट्टी वगैरह हो गया, बालू जो भी यूज़ करते हो, आपकी जो ईंटें होती हैं है ना बढ़िया किस्म का, सो सारी चीज़ें क्या होती है बेस्ट क्वालिटी की आप यूज़ करते हो, एंड आफ्टर दैट आपको देखने को मिलता है एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर। ओके, सिविल इंजीनियरिंग वाले जो बात करते हैं उसको लेकर के, अच्छा ये चीज़ हो गई स्ट्रक्चर, उसको लेकर के जब आप इंग्लिश को लेकर के बात करते हो तो या तो आप उसमें लेटर्स की बात करोगे भाई, या फिर आप वर्ड्स की बात करोगे, या फिर आप उसमें सेंटेंसेस की बात करोगे। कहने का मतलब ये है, अगर इनका एक बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाए, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सूटेबल पैटर्न ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था आप शब्दों की कैसे करते हो कि एक बढ़िया सा सूटेबल सा पैटर्न देखने को मिले, मतलब एक बढ़िया सेंटेंस देखने को मिले। विद एग्जांपल आपको मैं समझाने वाला हूँ, यहाँ पर अभी उदाहरण देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे आप बोलते हो ना, मैंने कहा कि मुझे काट कर सेब खिलाओ, ये हिंदी में है, बिल्कुल वही आपका इंग्लिश में, मुझे काट कर सेब खिलाओ। आपने देखा होगा इन वाक्यों में, वाक्य इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे पेपर में आपके आते हैं, तो सेब काट कर मुझे खिलाओ होगा, ना कि मुझे काट कर सेब खिलाओ। ओके, यही है आपका कि आप एक अप्रोप्रिएट वर्ड का या शब्दों का आप सही तरीके से व्यवस्था, उनको आप उनका अरेंजमेंट कैसे करते हो, यही आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच में देखने को मिलता है। एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी पहुंच बनाना जिसमें स्ट्रक्चर देखने को मिले, एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर देखने को मिले, एक आपका जो सूटेबल वर्ड्स हैं वो देखने को मिले। अब आशा करते हैं कि आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच तो यहाँ से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वेर इन द लर्नर मास्टर्स द पैटर्न ऑफ सेंटेंस, मतलब कहने का ये है जो लर्नर है वो सीखता है कि पैटर्न कैसे बनता है वाक्यों का, जो भी मैंने हिंदी में बताया इंग्लिश में भी अभी आपको एग्जांपल्स में आगे बताऊंगा। स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन वन एक्सेप्टेड स्टाइल और अदर। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको छोड़िए, इसमें कुछ खास नहीं है। इट इंक्लूड्स वेरियस मोड्स इन विच क्लॉजेज फ्रेजेज एंड वर्ड माइट बी यूज्ड। क्लॉज होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर के जब आप बात करते हो कि कहाँ कहाँ फ्रेजेज, कहाँ कहाँ कैसे क्लॉजेज को यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। ओके, देखिए हो सकता है मैं इंग्लिश में जो आपके यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं उसको मैं जल्दी से पढ़ दूँ, लेकिन मैं समझाऊँगा हिंदी में बाकायदा आराम से ही। ओके, तो समझते चलिएगा। ऐसे में इसमें लिखा हुआ, इट इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशंस दैट लैंग्वेज कैन बी बेस्ट लर्न थ्रू अ साइंटिफिक सेलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर और पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेज एंड वोकैबुलरी। कहने का मतलब ये है कि एक साइंटिफिक सेलेक्शन और ग्रेडिंग होती है वर्ड्स की, मतलब आप कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करते हो
उस सैटर्न को या पैटर्न ऑफ सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, एक पैटर्न ऑफ सेंटेंस को बनाने के लिए सही शब्दों का चयन, तभी आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा बढ़िया से, एक संरचना देखने को मिलेगी। आगे इसमें डेफिनेशन को लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर कृपा के गौतम जी कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं ये कि दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड दैट द मास्टरी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा सीखने की जो बात है, वो स्ट्रक्चर या संरचना पर आधारित होती है। मैंने बोला ही इज अ बॉय, ओके, हिज नेम इज महेश। अगर मैं ऐसे अगर सेंटेंस बोल रहा हूँ तो आप, अब इसमें क्या है, हिज, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ हिज महेश नेम इज, क्या ये करेक्ट है? इनकरेक्ट है। प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को सही से नहीं रखा गया है, इसमें पैटर्न सही नहीं बन रहा है, ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, हिज नेम इज महेश, हिज महेश नेम इज, ये आपका बिल्कुल से गलत है, यही है स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, रॉन्ग स्ट्रक्चर है। और जब आप सही स्ट्रक्चर लिखोगे तो उसमें भाई आपका कितना, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ इसका, ओके ठीक है तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, सही क्या होगा, दिस हिज नेम इज महेश, ऐसे करके, ओके थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ इसमें। सेंस स्ट्रक्चर इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक अबाउट लैंग्वेज, अर्ली प्रैक्टिस शुड फोकस, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, शुड फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फोनोलॉजिकल, फोनोलॉजी होता है जो आप जो है एक तरीके से जो शब्द वाली, जो आवाज़ वाली बात होती है ना, जो आपकी वो जो है वर्ड्स जो आप बोल रहे होते हो प्रोनंसिएशन, उनसे रिलेट करें, एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स रादर देन ऑन मास्टरी ऑफ वोकैब। कहने का मतलब ये है, आप वहीं तक मत रहिए, जो है वोकैबुलरी तक मत रहिए, उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, उनके सही तरीके से शब्दों के स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दीजिए। जो मेन चीज़ें हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट मतलब समझते हो आप, बिहेवियरल थ्योरी मतलब आप जो है एक प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे होते हो, है ना, एक प्रैक्टिकल यूज़, एक प्रयोगात्मक प्रयोग कर रहे होते हो, और ये उसी थ्योरी पर आपका बेस भी है। होता ये है, टू टीच लैंग्वेज थ्रू दिस अप्रोच वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ द, किसका स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, भाषा के स्ट्रक्चर को हमको वहाँ पर समझना होता है, ओके आशा करते हैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के बात की जाए तो मेनन एंड पटेल कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर अप्रोच आर एज फॉलोज, टू ले द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रेपिटेशन अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स। देखिए ये कहते हैं ले फाउंडेशन मतलब जैसे होता है नींव डालना, इंग्लिश बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रेपिटेशन। एक आपका ड्रिल जो डायरेक्ट वाले में हमने देखा था, रेपिटेशन पुनरावृत्ति के, उससे 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, मतलब आप वर्ड्स को ही लेकर के बात हो रही है कि इतने शब्दों को सीखना बनाना। टू इनेबल द चिल्ड्रन टू अटेंड मास्टरी, मास्टरी किसको बोलते हैं, अरे उसमें मतलब पारंगत होना, उसी को मास्टरी आप देखते आ रहे होगे। ओवर एन एसेंशियल वोकैब ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज, कहने का मतलब ये है कि उनको मास्टरी एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, इनेबल मतलब उनको जो है सक्षम बनवाना उसमें, किसमें कि वो इतने वर्ड्स का जो है वो एक्टिवली यूज़ कर सके, कितने 3000 वर्ड्स का। इसमें है टू कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन, जो आप पढ़ रहे हो उससे कोरिलेट करना ग्रामर और कंपोजिशन को पूरा, है ना, उनके साथ में मिला करके चीज़ों को पढ़ना, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं उनको समझना, स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इनको लेकर के बात करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये ओरल क्या है, ऑडियो विजुअल अप्रोच है भाई, ये आप पढ़ के आए हो थर्ड सेमेस्टर में। जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लेकर के बात करेंगे। यहाँ देखिए ऊपर, अभी सबसे पहले आपको समझ में आएगा, बीच में हो सकता है अभी जो मैं बता रहा था जस्ट पहले वो हो सकता है कम समझ में आया हो, यहाँ फिर से आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। मेन फीचर्स जब आप स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हो तो कहते हैं ना, आपने क्या देखा कि वर्ड का पैटर्न सही होना चाहिए, सेंटेंस का पैटर्न सही होना चाहिए, लेटर्स का पैटर्न, तो वर्ड के ऑर्डर को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले वर्ड ऑर्डर ऑफ द पैटर्न ऑफ द फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट इज लैंग्वेज, इन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इसमें देखिए लिखा हुआ महेश ब्रोक हिज टॉय, क्या लिखा है, महेश ब्रोक तोड़ा, ठीक है, अपने खिलौने को महेश ने, द टॉय ब्रोक महेश। अब इसमें देखिए सेंटेंस ए में जो लिखा हो महेश ब्रोक हिज टॉय मेक्स प्रॉपर सेंस, इट शोज द अरेंजमेंट एंड पैटर्न ऑफ वर्ड्स। आप समझ रहे हो आपका जो ये सेंटेंस है ये गलत है, ये वाला आपका करेक्ट होगा, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पर देखने अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, किसका, वर्ड्स का। ये होता है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच।
अब जब वर्ड पैटर्न की बात की है तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल वर्ड्स की बात करते हैं। जैसे इसको देखिएगा, आई एट एन आइसक्रीम, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, आई विल ईट एन आइसक्रीम। इसमें क्या है, द फॉलोइंग इन द अबव गिवन एग्जांपल वी कैन सी द मॉडिफाइड मीनिंग। मतलब आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मीनिंग दिखा। एट एन आइसक्रीम मतलब खाया, ईटिंग मतलब खा रहा हूँ, विल ईट मतलब खाऊंगा। ये होता है पैटर्न एक तरीके से लिखने का, ओके, कि कैसे आप सेंटेंस को लिखते हो, वर्ड्स का पैटर्न बनाते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, यहाँ पर इन्फ्लेक्शंस का यूज़ करना, शब्दकोश की तरीके से बोलते हैं भाई इन्फ्लेक्शंस को, ठीक है। जैसे वर्ब में क्या हुआ, जो क्रिया में तो क्या यूज़ करते हो, क्रिया मतलब क्या हुआ, खाना पीना उठना बैठना रोना गाना, सारी चीज़ें क्या है आपकी क्रियाएँ होती हैं। नाउंस में बॉय है, बॉयज़ है, वन मैन करके आप लिखते हो। एडजेक्टिव्स में शब्दकोश ही तो हैं, शब्द ही तो हैं शब्दकोश के, है ना, वहाँ से आप ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को आप यूज़ करते हो ऐसे में। और सेलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, चलिए इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ आप जब बात करते हो, ये चीज़ नहीं, जो मेन चीज़ है मतलब स्ट्रक्चर की, आप सेलेक्शन उसका करते कैसे हो। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता। द स्ट्रक्चर्स which आर मोर frequent इन यूज़ शुड बी introduced फर्स्ट। जो कि सबसे ज़्यादा frequently यूज़ हो रहे हों, बहुतायत यूज़ हो रहे हों, उनको सबसे पहले यूज़ करिए। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रोडक्टिव, अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी बिल्ट अपॉन। कहने का मतलब ये है, कुछ आपके प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ आपके जो है कैन बी बिल्ट अपॉन, उसके ऊपर डिपेंडेंट वाली, बिल्ट अपॉन वाली बात, डिपेंडेंट वाली बात। वी हैव टू सेंटेंस पैटर्न, जैसे मिस्टर रॉय इज हियर, जैसे हियर इज मिस्टर रॉय, दो आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं। देखिएगा जरा एग्जाम्पल्स को, इनको ध्यान से। द फॉर्मर पैटर्न, फॉर्मर मतलब पहले वाला जो है, ए इज प्रोडक्टिव बिकॉज वी कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेज ऑन द सेम पैटर्न, लाइक ही इज देयर, ठीक है। आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो, मतलब ये प्रोडक्टिव है, आप उन नंबर ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके कितना बढ़िया सेंटेंस आप बना सकते हो, वो उसकी उत्पादकता। भाई यही तो होता है, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके आप कितने अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी को आप बता सकते हो। सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, साधारण होना चाहिए। टीच अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आइटम्स इजी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसमें। दी स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेलेक्टेड विद इन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, आवृत्ति जो बोलते हो ना, बार बार आना। फिर देखिए ये आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, या सिलेक्शन आप कैसे करते हो स्ट्रक्चर्स, उनको लेकर के। रेंज होना चाहिए, कवरेज वाली बात, ठीक है, जो लर्नेबिलिटी होती है मतलब सीखने वाली बात, उसको लेकर के। जैसे कवरेज में क्या है कि वर्ड कवरिंग अ नंबर ऑफ मीनिंग्स, जैसे मील्स करके आप बोलते हो, मील्स में आपके कई सारे मीनिंग्स आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये आपके जो है उसकी जो है सेलेक्शन को लेकर के बात करते हैं। अभी आपने ग्रेडेशन देखा था, तो इसमें ग्रुपिंग कैसे करोगे, जैसे फोनेटिक ग्रुपिंग होती है, कैट है, रैट है, मैट है, ये फोनेटिक ग्रुपिंग होती है। एक जैसे साउंड क्या है, जो साउंड को रिप्रेजेंट करे, और एक जैसे साउंड, कैट, मैट, रैट, आप बोलते हो ना, जैसे आप बिल्कुल वैसे ही है भाई, जैसे आप तुकांत शब्दों को लेकर के बात करते हो। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है, लेक्सिकल आपका शब्दकोश को लेकर के ऐसे में बात करेगा, ऐसे ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू वर्ड्स यूज्ड इन सेम सिचुएशन। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग होती है आपकी, सिमेंटिक ग्रुपिंग होती है, ठीक है, इसमें कहते हैं सिमिलर मीनिंग ग्रुप, सिमेंटिक सिमिलर मीनिंग को जो बता रहा होता है। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग होती है, ये चीज़ें आपसे देखे सीधे सीधे पूछ लेगा इसमें कि ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ओके। सीक्वेंसिंग हो गया, सीक्वेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, ओके, तो उसको लेकर के बात हो गई। चलिए फ्रेज पैटर्न हो गया दोस्तों, यहाँ पर जब आप सेंटेंस पैटर्न, अब वर्ड पैटर्न आपने देखा था, यहाँ सेंटेंस पैटर्न की बात है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मैंने बोला माही गेट्स अप एट 6 AM, ठीक है। अब इसमें शी टेक्स बाथ, शी ईट्स हर ब्रेकफास्ट, शी गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न। अब इसमें देखिए एक सीक्वेंस से आपका सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके सेंटेंस ही हैं और सबके सब सीक्वेंस में ही आपके लिखे हुए हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसको, समझना थोड़ा सा कठिन है ऐसे जो आपके अप्रोचेज हैं, ओके, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब में से एक आप निचोड़ निकाल सकते हो और वहाँ से उन चीज़ों को लिख सकते हो। और आपको मैं वैसे भी बता दूं कि यहाँ से जो आपके सवाल आते हैं वो अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, आपका सब्जेक्टिव बहुत कम आता है या ना के बराबर आता है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा जो भी पूछेगा। चलिए इतनी बातें हो गई, और यहाँ पर माही क्या है, एक लड़की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। चलिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बात करूँगा लेकर के, कुछ एडवांटेजेस को लेकर के थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कि भाई क्या इसकी जो है विशेषताएँ हैं जब आप बात करते हो स्ट्रक्चरल अप्रोचेज को लेकर के, तो इसमें क्या है
कि टू मास्टर दी पैटर्न ऑफ सेंटेंस, मतलब क्या होता है मास्टर, एक तरीके से बनाना आपने वो उसको पैटर्न ऑफ सेंटेंस को बनाना, ये तो हो गया सबसे पहले आपका। यूज़ दिस सब्स्टिट्यूशन टेबल फॉर मास्टर ऑन सेंटेंस पैटर्न। देखिए आप क्या होता है सब्स्टिट्यूट वर्ड्स का भी यूज़ कर रहे हो तो उसको जो उसका उसको विस्थापित कर दे उसको लेकर के बात हो रही है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर क्या होता है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लेटर ऑर्डर, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिलेंगी। लर्निंग वकैब थ्रू सेंटेंस पैटर्न, आप जो सेंटेंस बनाते हैं उसके हिसाब से आपको वोकैबुलरी, ठीक है, वकैब को जो है याद करने को लेकर के बात वो आपकी देखने को मिलेगी। डिसएडवांटेज की बात अगर की जाए तो इसमें काफ़ी सारे हैं, जो हायर क्लासेस होती हैं उनके लिए आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच सूटेबल नहीं है। सबसे पहली चीज़ हायर क्लासेस के लिए आपका ये सूटेबल नहीं है। इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, जो TLM होते हैं टीचिंग एड्स को लेकर के बात करूँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स को और मैं बताऊँ तो इसमें आप लिख सकते हो इफ़ दिस स्ट्रक्चर सिलेबस इज़ फॉलोड स्ट्रिक्टली इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कम्प्लीट दिस सिलेबस, अगर ये स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है तो सिलेबस भी कम्प्लीट करने में दिक्कत होती है। ओके भाई देखो सीधी सी बात है, आप ग्रामेटिकल चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हो ना, अगर वहाँ पर तनिक भी आपका इधर उधर कुछ भी हुआ है ना तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो ऐसे में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहोगे नहीं पहले आप इसको सही करिए तभी मैं आगे बढ़ूँगा, तो ये भी थोड़ा सा जो है क्या होता है डिफ़िकल्टी को जो है यहाँ पर ये शो करता है। दोस्तों ये था आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, आशा करते हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। कोई समस्या है कोई सवाल है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों के साथ में भी। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ फाइल्स और न्यूज़ वगैरह के लिए जो भी है उसमें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।